वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मैं रिचा, योर लीगल मेंटोर। तो अभी तक के हमने कॉपीराइट एक्ट 1957 में काफी कुछ पढ़ लिया है। पिछले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 13 जो है हमारे कॉपीराइट एक्ट 1957 का, वो क्या बात करता है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपीराइट के बारे में। तो अगर आपको इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमने काफी अच्छे तरीके से इस सेक्शन को डील किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर वहां पे आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछली ही क्लास में हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपीराइट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि तीन सब्जेक्ट मैटर को हमने बहुत ही डिटेल में डील कर लिया है। तो पहला सब्जेक्ट मैटर क्या था, ओरिजिनल लिटरेरी, फिर ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, उसके बाद सिनेमाटोग्राफ जो फिल्म होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, फिर साउंड रिकॉर्डिंग के भी बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है इनके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे विद केस लॉज, क्योंकि केस लॉज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केस लॉज की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉपीराइट एक्ट है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो काफी टेक्निकल हमें लगता है। तो जैसे हम केसेस रेफर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम केसेस से ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल लिटररी वर्क के बारे में, ठीक, कि ओरिजिनल लिटररी वर्क क्या होता है और कब हम कहेंगे कि ये जो वर्क है ये ओरिजिनल है, ठीक है। और क्या जो वर्क है वो अगर ओरिजिनल है तो क्या उसे प्रोटेक्शन मिलेगा कॉपीराइट के अंदर कि नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो ओरिजिनल लिटररी वर्क, अब क्या होता है कि जो लिटररी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसे ओरिजिनल जब देखा जाता है कि ये जो लिटररी वर्क्स हैं वो अगर ओरिजिनल है तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है कॉपीराइट में, ठीक है। क्योंकि कॉपीराइट जो एक्ट है वो हमें पता है कि किससे कंसर्न नहीं है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉपीराइट को, ठीक है। आइडिया के ऊपर तो कॉपीराइट बिल्कुल काम ही नहीं करता, उसके ऊपर कॉपीराइट का मतलब बोल सकते हैं कि उसके लिए वो कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कॉपीराइट अगर लेना है तो आपका वर्क क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन में होना चाहिए, जो आपके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो एक्सप्रेशन में होने चाहिए, ठीक है, और टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटर मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ये कहेंगे तो एक तरीके से एक्सप्रेशन में आपका वर्क होना चाहिए, टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए। आइडिया से कॉपीराइट को कुछ भी लेना देना नहीं है, आइडिया पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आइडिया ओरिजिनल है तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटेक्शन जो है कॉपीराइट के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क क्या होता है, ये तो हमने देख लिया बेसिक सा। लिटरेरी वर्क में क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ओरिजिनल लिटरेरी वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिटरेरी वर्क्स में क्या होता है कि जब आपका वर्क जो है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट में होगा, इन प्रिंट और इन राइटिंग होगा। अगर आपका कोई भी लिटरेरी वर्क है, ठीक है, वो अगर राइटिंग में है और प्रिंट में है, अगर कोई भी आपकी मान लीजिए कोई भी ऐसी आप पोयम वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, पोयम जो लिख रहे हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ये मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ये ऐसे में करूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप उसको राइटिंग में नहीं लाएंगे तब तक आप बोल सकते हैं कि उस वर्क को आप प्रोटेक्शन में कॉपीराइट के अंदर नहीं ला सकते, ठीक है। भले वो ओरिजिनल है, भले ही आप उसको सोचें वो आपका आइडिया है, आपने उसको एक तरीके से ओरिजिनेट कर रहा है, वो जो आइडिया है वो आप ही से आ रहा है, ठीक है, यू आर बीइंग द ऑथर ऑफ दैट बोल सकते हैं, जो लिटरेरी आपके दिमाग में वो जो प्रोज आ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी पोयम आ रहा है अगर ऐसा कुछ है तो आपके दिमाग में आ रहा है तो वो आपसे ही ओरिजिनेट हो रहा है, नो डाउट। बट अनलेस एंड अंटिल वो जो प्रिंट या फिर राइटिंग में अगर नहीं आता है तो वो उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द वर्क टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल और इन्वेंटिव थॉट। तो एक तरीके से इमेजिनेटिव या फिर बोल सकते हैं कि ओरिजिनल आइडिया जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इमेजिनेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। जो एक्सप्रेशन आपका जो होना चाहिए ना वो एक तरीके से इमेजिनेशन या आइडिया पे नहीं होना चाहिए, रादर किस पे होना चाहिए, आपका वो जो होना चाहिए राइटिंग में होना चाहिए या फिर
प्रिंट में होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, टैंजिबल फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म, एक तरीके से जो आपका काम होना चाहिए ना वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आइडिया जो है उस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम अभी तक ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम क्या बोल रहे हैं कि कॉपीराइट जो है वो वर्क नहीं करता है आइडियाज पे, ठीक है। आइडिया पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ज्यादातर जो भी है तो वो अगर काम करता है तो एक्सप्रेशन पे करता है, ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिनैलिटी फॉर द पर्पस ऑफ कॉपीराइट लॉ रिलेट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। यहाँ पे जो हम ओरिजिनैलिटी अगर देख रहे हैं ना कि किसी भी वर्क की, स्पेशली हम यहाँ पे बात करें लिटररी वर्क की, तो अगर लिटररी वर्क की अगर ओरिजिनैलिटी के बारे में बोलेंगे तो हमें एक्सप्रेशन ऑफ थॉट होना चाहिए वहां पे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट होना चाहिए वहां पे, आइडिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सच एक्सप्रेशन नीड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम एनदर वर्क। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब मैं जैसे मैंने बोला कि वो जो आइडिया होना चाहिए, जो थॉट होगा आपका, एक्सप्रेशन जो होगा वो आपसे ओरिजिनेट करना चाहिए, किसी और के वर्क को आप कॉपी करके आप बोले कि ये आपका आइडिया है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, फिर वो इंफ्रिंजमेंट में आ जाएगा, ठीक। बट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑथर, जो ऑथर है, जैसे कि आप अगर हैं, आप अगर कोई बुक लिखने वाले हैं तो आप उस बुक के ऑथर हुए, है ना, तो वो जो भी बुक में आप जो लिखने वाले हैं वो आइडिया आपके अंदर से आ रहा है ना, आपके इंटेलेक्ट से आ रहा है, तो उसके ऑथर आप हुए। किसी और से कॉपी करके, किसी और की बुक की जो लाइन्स है या फिर एक तरीके से पूरा पूरा पैराग्राफ कॉपी करके आप ऐसे नहीं क्लेम कर सकते कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि वो ओरिजिनेट करना चाहिए किससे, ऑथर से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ओरिजिनेट होना चाहिए, तो वो अगर ओरिजिनेट होगा आपका जो वर्क है तो यहाँ पे ऑथर जो है उससे ओरिजिनेट होगा, किसी और वर्क का कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड ओरिजिनल लिटरेरी वर्क विच हैज टू बी अराइव्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सब्सटैंशियल इंडिपेंडेंट स्किल होना चाहिए, उसमें क्रिएटिव लेबर होना चाहिए और जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो ओरिजिनल लिटरेरी आपका वर्क होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, वो एक तरीके से एक्सरसाइज ऑफ सब्सटैंशियल इंडिपेंडेंट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से वो बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो होना चाहिए, एक ऐसा आपका काम हो जो कि ओरिजिनल हो, ठीक, और वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्किल होना चाहिए जो कि ऑथर का ही होगा, इंडिपेंडेंट स्किल उसने ही अप्लाई किया होगा, क्रिएटिव लेबर उसमें दिखना चाहिए और उसमें जजमेंट भी होना चाहिए एक तरीके से ऑथर का ही, ठीक है, और किसी का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम ओरिजिनलिटी ऑफ लिटरेरी वर्क में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तरीके से जो वर्क आपका होगा वो आपसे ओरिजिनेट होना चाहिए, किसी और वर्क का कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वर्क होगा ना वो एक तरीके से क्या होना चाहिए आपका, एक्सप्रेशन में होना चाहिए, दैट मस्ट बी इनटू द राइटिंग, या फिर एक तरीके से प्रिंट में वो होना चाहिए, ठीक है, बाहर दिखता हुआ होना चाहिए, ऐसा हो, टैंजिबल फॉर्म होगा, फिजिकल फॉर्म होगा, ठीक है। सिर्फ आइडिया अगर होगा तो अगर आप बोलेंगे कि उस पर आपको कॉपीराइट मिल लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, बहुत बढ़िया सा आप पोएम जो है उसका आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है और आपको लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी और पर्सन ने भी ऐसी आइडिया सोच ली और उसके बाद वो ऊप लिख देता है, ठीक है, प्रॉपर एकदम लिख देता है, प्रिंट में वो ला देता है, एक्सप्रेशन में वो ला देता है उस थॉट को, तो उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि आपने तो लिखा नहीं, ये सिर्फ आपके इंटेलेक्ट में था, ये आपके दिमाग में था, ये आपका आइडिया था, बट आपने उसे एक्सप्रेशन में नहीं लाया, तो वहां पे आप कॉपीराइट का जो प्रोटेक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये ओरिजिनल लिटरेरी वर्क में यही है कि जो ओरिजिनलिटी का यहाँ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना वो ये बता रहा है कि जो ये वर्क होना चाहिए ना वो ओरिजिनल तो होना चाहिए और वो ऑथर से ही ओरिजिनेट होना चाहिए, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और केस लॉज से समझते हैं कि आखिरकार ओरिजिनलिटी का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। कॉन्सेप्ट तो समझ लिए कि जो काम होना चाहिए आपका बेसिकली ये ओरिजिनेट ऑथर से होना चाहिए, एक्सप्रेशन में होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन द रिटन फॉर्म, और एक तरीके से प्रिंट में होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें जजमेंट होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये आपका कॉन्सेप्ट है ओरिजिनलिटी का, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, लिटरेरी वर्क जो है
इसका क्या मतलब होता है एक केस के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि लिटररी वर्क का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो श्याम लाल एंड अनदर वर्सेस गया प्रसाद गुप्ता, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस टॉपिक पे, ओरिजिनल लिटररी वर्क पे, ठीक है, जिसमें कि आपको लिटररी वर्क का मतलब बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इन ये दोनों जो हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो फिर उसके बाद ये गए, तो इसमें हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट जो है वो क्या कहती है कि व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिटररी वर्क इन सेक्शन 35 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1911। अब जो थर्ड सेक्शन 35 है जो कॉपीराइट एक्ट का 1911 का बात कर रहा है, ठीक है, अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 से जो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन चार्ट्स कुड बी ट्रीटेड एज लिटररी वर्क, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट 1911। तो यहाँ पे 1911 के जो सेक्शन 35 है ना, उसमें ये बताया गया है कि जो लिटररी वर्क है ना, वो जो चार्ट्स वगैरह होते हैं ना, उसको भी हम ट्रीट करेंगे एज अ लिटररी वर्क। जैसे कैलकुलेशन चार्ट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो उसमें अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट का जो काम होता है, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो चार्ट्स वगैरह होता है, या फिर मैथ्स में ही ले लीजिए, जो चार्ट्स ऐसे करके बनाते हैं ना, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो चार्ट होता है ना, वो भी एक तरीके से, या उस ये जो चार्ट्स होते हैं वो भी लिटररी वर्क में आते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि हिसाबी दर्पण जो कि डिपेंडेंट का एक बुक था, ठीक है, और एक था बोलते हैं कि हिसाबी मशीन, ये आपके प्लेंटिफ का एक बुक था, ठीक है। अब इसी दोनों बुक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इन इन इनके बुक में हिसाबी मशीन जो है वो प्लेंटिफ का बुक है, ठीक है, और डिफेंडेंट का बुक है हिसाबी दर्पण, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा था कि लिटररी वर्क में क्या ये जो कैलकुलेटिव पार्ट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो कैलकुलेशंस, जो टेबल्स वगैरह होते हैं, क्या इनको हम लिटररी वर्क एज अ कंसिडर्ड करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि हाँ, जो लिटररी वर्क्स होते हैं ना, मतलब जो टेबल्स होते हैं, कैलकुलेशन टेबल्स जो होते हैं, वो भी एज अ लिटररी वर्क में हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि लिटररी वर्क का सिर्फ ये नहीं मतलब होता है कि उसमें प्रोज और जो पोएम्स होते हैं ना, वही सिर्फ आएंगे, रादर लिटररी वर्क का ये मतलब होता है कि कोई भी जो वर्क हो, ठीक है, कोई भी वर्क हो जो कि लिटररी वर्क के एम्बिट में फॉल करता है, ठीक है, कोई भी रिटन वर्क हो, कोई भी रिटन वर्क हो, दैट मस्ट बी रिटन, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, जो आपका वर्क होना चाहिए वो रिटन होना चाहिए, और अगर वर्क जो है वो रिटन है तो फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ लिटररी वर्क, किसके एम्बिट में, लिटररी वर्क के एम्बिट में, ठीक है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन चार्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या लिटररी वर्क के एम्बिट में फॉल करेंगे, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ फॉल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो प्लेंटिव था, प्लेंटिव्स कॉपीराइट हैड नॉट बीन इन्फ्रिंज्ड, कोर्ट कहती है कि यहाँ पे जो प्लेंटिव का कॉपीराइट है, उनके जो हिसाबी मशीन पे जो उनका कॉपीराइट है वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ है बाय द पब्लिकेशन ऑफ डिफेंडेंट्स जो बुक है हिसाबी दर्पण, जो उन्होंने पब्लिकेशन कराई थी अपनी बुक की, ठीक है, जो उनकी बुक है, तो वो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है प्लेंटिव का जो ये बुक है हिसाबी जो मशीन है, इसके ऊपर जो भी है उनको जो कॉपीराइट है वो क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से प्लेंटिव का एक तरीके से कोई भी यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है, और इस वजह से क्या हुआ, लर्नेड जो डिस्ट्रिक्ट जज है झांसी के, उन्होंने क्या कर दिया, सूट को डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि लिटररी वर्क जो है उसका मतलब सिर्फ प्रोज पोएम्स या फिर यही सारी चीजें नहीं होती हैं, जो कि हम एक तरीके से सोचते हैं कि कुछ भी जो कि लिटरेचर से मतलब उसका नाता होना चाहिए, जो भी कुछ ऐसा हो कि एकदम लिटरेचर टाइप का लगे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज अगर रिटन फॉर्म रिटन है, ठीक है, अगर वो फॉल करती है अंडर द एम्बिट ऑफ किसके, लिटरेचर के अंदर,
लिटरेचर के अंदर अगर फॉल करती है तो उसको हम लिटररी वर्क के एम्बिट में लाएंगे और हम कहेंगे उसको एज अ लिटररी वर्क ये है। ठीक है, क्लियर होगी। तो इस केस में बेसिकली डेफिनेशन बताई गई थी कि लिटररी वर्क का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक केस से जानते हैं कि ओरिजिनलिटी का क्या बेटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक ने इस केस में क्या कहा था, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया, इसमें कहा कि दैट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर वुड बी टू क्लासेस ऑफ लिटरेरी वर्क। उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से डिवीजन किया कि दो क्लासेस के लिटरेरी वर्क हो सकते हैं। ठीक, पहला क्या होगा, पहला होगा प्राइमरी और प्रायर वर्क्स। ठीक है, एंड क्या होगा, दीज वर्क्स आर द लिटरेरी वर्क नॉट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये जो वर्क्स होंगे बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस में सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि दीज आर द लिटरेरी वर्क नॉट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट। ये जो वर्क्स होंगे ना वो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बेस्ड होंगे। ठीक है, एंड मैटर therefore could be called primary or prior subjects. So basically ये क्या, ये जो literary works होंगे, ठीक है, ये एक तरीके से original ये कहलाएंगे, इसलिए क्योंकि ये existing subjects के ऊपर based नहीं है, जो कि already subjects जो है, आप existing मतलब समझ रहे हैं ना कि already वो है अभी, तो उसके ऊपर ये literary works जो है उसके ऊपर नहीं based है। ठीक है, सेकेंडरी और डेरिवेटिव वर्क्स का क्या मतलब हो गया, दीज आर द लिटरेरी वर्क्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स मैटर सच वर्क्स आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर दे आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव वर्क्स और सेकेंडरी वर्क्स। ठीक है, तो जो कि वर्क्स एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बुक है जो कि ऑलरेडी नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो कोई भी लिटरेरी वर्क जो कि बेस्ड हो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है, सिंस सच वर्क्स आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, इसीलिए हम क्या कहेंगे उन लिटरेरी वर्क्स को कि ये डेरिवेटिव वर्क्स हैं या फिर सेकेंडरी वर्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लिटरेरी वर्क है एक तरीके से डिराइव किया गया है जो कि एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है, जो कि एग्जिस्टिंग आपका काम है उससे डिराइव किया गया है, इसलिए हम कहेंगे एज उसको सेकेंडरी और डेरिवेटिव वर्क। ठीक है, और प्राइमरी और प्रायर वर्क्स का मतलब जो कि काम, जो कि वर्क जो है आपके, जो कि सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, आपने सोचा और उसके बाद आपने उस काम को क्या किया, एक्सप्रेशन में लाया। ठीक है, आपने उसको एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो है राइटिंग या प्रिंटिंग में लाया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक तरीके से ये प्राइमरी हो गए। ठीक, इसमें आपने इंडिपेंडेंट स्किल यूज किया। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर जजमेंट आपका आया इसमें। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्राइमरी हो गए। ठीक, और सेकेंडरी और डेरिवेटिव जो हो गए वो हो गए कि एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट मैटर था ऑलरेडी। ठीक है, और उससे कुछ डिराइव किया आपने, उससे कुछ आपने उस वर्क से कुछ निकाला। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, एज अ कोई भी जो अपना वर्क है वो आपने बना लिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी वर्क हो गया। ठीक है, और प्राइमरी मतलब जो कि आपका एग्जिस्टेंस जो सब्जेक्ट मैटर है उससे नहीं लिया गया है, दैट इज प्राइमरी। ठीक है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो कि वर्क ऑलरेडी आपने अपने से किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्किल यूज किया है आपने अपना, किसी और के वर्क जो वर्क उनका था उससे आपने कुछ भी डिराइव नहीं किया है। क्लियर हो गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और इम्पोर्टेंट केस है। अब क्या करेंगे, हम केसेस से ही समझेंगे ओरिजिनलिटी ऑफ जो हमारे लिटरेरी वर्क है उसके बारे में। ठीक है, तभी जाके हम क्या होगा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तभी जाके हम एक तरीके से एग्जाम में उसको कोरिलेट करके लिख पाएंगे। ठीक, तो वॉल्टेयर वर्सेस लेन, अब ये जो केस है 1900 का है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ओरिजिनलिटी के ऊपर। तो इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे दी टाइम्स, ठीक है, दी टाइम्स बोल के एक तरीके से न्यूज पब्लिकेशन बोल सकते हैं, एक तरीके से ये था। ठीक है, तो ये पब्लिशर्स टाइप के थे। ठीक है, तो द टाइम्स के रिपोर्टर्स ने क्या किया, उन्होंने
एक तरीके से एक वो थे, प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, जिनका नाम था अर्ल रोज बैरी। ठीक है, तो ये थे एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन। ठीक है, तो दी टाइम के क्या हुआ, कुछ रिपोर्टर्स थे। ठीक है, अब इन रिपोर्टर ने क्या किया, इन रिपोर्टर्स ने अर्ल रोजबरी के जो स्पीचेस थे, ठीक है, अर्ल रोजबरी के जो स्पीचेस थे, उन्होंने क्या किया, उनके स्पीचेस को शॉर्ट हैंड करा। ठीक है, लिख लिया एक तरीके से, शॉर्ट हैंड नोट्स में बना लिया उनके स्पीचेस को। इतना बात क्लियर हो गया। मतलब दी टाइम के रिपोर्टर्स ने क्या किया, अर्ल रोजबरी जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, उनके जो स्पीचेस थे, सीरीज ऑफ स्पीचेस जो भी उनने दिए हैं, उनका उसका एक शॉर्ट हैंड बनाया। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, ट्रांसक्राइब कर दिया, मतलब फर्दर उसमें थोड़े करेक्शंस कर दिए, पंचुएशंस ऐड कर दिए। ठीक है, उसका रिवीजन एक तरीके से पूरा कर दिया। ठीक, और उसके बाद क्या किया, उसको प्रॉपर मॉडिफिकेशन कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया एक तरीके से, लेकिन ऐसा लगे कि ये एज इट इज है, लेकिन उन्होंने फर्दर अपने स्किल्स जो है उसमें यूज कर दिया। ठीक है, एक अपना मॉडिफिकेशन डाल दिया उसके जो भी उनके सीरीज ऑफ जो उनका स्पीचेस था, और उसके बाद उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अपने दी टाइम के पब्लिकेशन में पब्लिश कर दिया। ठीक, आता है यहाँ पे रिस्पोंडेंट। ठीक, रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन है, जॉन लेन, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉन लेन है। ठीक, क्या हुआ, जब ये पब्लिकेशन, इन्होंने अपना जो ये स्पीचेस थे, एक जो रिपोर्ट पूरी तैयार करी थी, उन्होंने क्या किया कि प्रोप्राइटरशिप जो किसका था यहाँ पे, ऑर्थर फ्रेजर वॉल्टर का, जो कि हमारे कौन है, यहाँ पे एक तरीके से प्लेंटिफ है। ठीक है, तो ऑर्थर जो फ्रेजर जो वॉल्टर थे, ठीक है, इनके प्रोप्राइटरशिप में जब मतलब इन्होंने अपना जो रिपोर्ट था वो पब्लिकेशन में डाल दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया, तो जो रिस्पॉन्डेंट थे ना, उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी। ठीक, उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था एप्रिसिएशंस एंड एड्रेसेस। ठीक है, ये उनके बुक का नाम था। अब इन्होंने क्या किया, जो भी जो स्पीचेस थे, जो कि रिपोर्ट में थे, ठीक है, जो कि किसने रिपोर्ट तैयार की थी, जो रिपोर्टर्स थे दी टाइम्स के, ठीक है, दी टाइम के, उन्होंने तैयार की थी। तो उन्होंने क्या किया, जो जॉन लेन है, उनके रिपोर्ट से उनकी जो स्पीचेस थी ना, उन्होंने क्या किया, अपने बुक में उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अपने बुक में डाल दिया। ठीक, ये पूरा फैक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि वेदर द रिपोर्टर्स ऑफ द स्पीच कैन बी टर्म्ड एज ऑथर, क्या ये ऑथर कहलाएंगे, और ये क्या, ये जो जॉन लेन है, इन्होंने उनके जो जो उनके एक तरीके से वर्क पे उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, कॉपीराइट मिलनी चाहिए, क्या इन्होंने इन्फ्रिंज किया है उनके कॉपीराइटेड वर्क को। ठीक है, क्या जो रिपोर्टर्स हैं उनको ऑथर बोलना चाहिए, तो इस केस में ये क्वेश्चन उठा था। अब आते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसमें क्या हेल्प किया। 4:1 मेजोरिटी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ पे कहते हैं कि रिवर्स कर दिया डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। तो मतलब इसमें पहले कोर्ट ऑफ अपील में गया था मैटर, ठीक है, फिर उन्होंने रिवर्स कर दिया कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन को। फिर यहाँ पे कोर्ट जो कहती है कि जो रिपोर्टर्स है ना, वेर ऑथर्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1842। ठीक है, ये इंडिया का केस नहीं है। ठीक है, तो ऑथर्स जो है इस कॉपीराइट एक्ट 1842 के अंदर, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें क्या हम सब्जेक्ट करेंगे एज अ ऑथर। क्यों, क्योंकि जो एफर्ट है, स्किल है एंड टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया है, वो सफिशियंट टू मेक देम ओरिजिनल। ठीक है, जो अपना उन्होंने स्किल उसमें अप्लाई किया है, जो अपना टाइम दिया है, प्रेशियस टाइम, जो एफर्ट उन्होंने अप्लाई किया फॉर द मॉडिफिकेशन, फॉर द एडिशन ऑफ दोस पंचुएशंस, ठीक है, फॉर द करेक्शंस, रिप्रोडक्शन ऑफ दैट स्पीचेस, जो सीरीज ऑफ स्पीचेस थे, तो इस वजह से उनको हम कहेंगे एज दे आर दी ऑथर ऑफ दैट रिपोर्ट जो कि उन्होंने तैयार की है। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड ब्रैम्पटन जो है वो उनका ये व्यू था कि जो प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट है इन्वॉल्व कंसिडरेबल इंटेलेक्चुअल स्किल्स, लेबर एंड ब्रेन बियॉन्ड द मियर मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ राइटिंग। ठीक है, जो वो लिख रहे हैं उसके बियॉन्ड उन्होंने अपना इंटेलेक्चुअल स्किल यूज किया है, लेबर यूज किया है, ब्रेन यूज किया है, एंड दैट इज वाई दे शुड बी गिवन
दी कॉपीराइट ऑन देयर वर्क, जो कि उन्होंने अपने स्किल्स को लगाते हुए एफर्ट लगाया, टाइम लगाया, और उसके बाद उन्होंने उसमें जो कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, इस वजह से उनका हक बनता है कि दे शुड बी कॉल्ड एज अ ऑथर ऑफ दैट रिपोर्ट, ठीक है। और इस वजह से जो जॉन लेन है उन्होंने इन्फ्रिंज किया है उनके राइट को, ठीक है। तो ये इस केस में हेल्ड हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो ओरिजिनलिटी है जो लिटरेरी वर्क्स पे कितने डिफरेंट अप्रोचेस दिए गए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, फर्दर एक दो तीन और केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, सो दैट कि हम ओरिजिनलिटी को और भी अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक। और आई होप कि आपको यहाँ तक जो केसेस हैं समझ में आए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्ट्स ने क्या हेल्प किया ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट में, इस केस में क्या हेल्प किया, फिर इसके पहले केस में क्या हेल्प किया, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, सो दैट कि वो भी इन केसेस को पढ़ पाए, बिकॉज दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनलिटी एज अ कॉन्सेप्ट जो कॉपीराइट में है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।